हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राहुल भटनागर। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। हमने अपने पिछले वीडियो में समझा बेसिक्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी इंडिया में क्यों इम्प्लीमेंट किया गया, हमारे पुराने टैक्स स्ट्रक्चर में, इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर में क्या कमियां थी जिसकी वजह से जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया, जीएसटी के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, किस किस को क्या फ़ायदा है, गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा, हम लोगों को क्या फ़ायदा, ये सब समझा हम लोगों ने। और जीएसटी के टाइप्स भी हमने समझे थे। आज जो हम इस वीडियो में शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे जीएसटी अकाउंटिंग एंट्रीज़ कैसे की जाएंगी, जीएसटी की जनरल एंट्रीज़ कैसे की जाएंगी। आप पहले ही डेबिट और क्रेडिट रूल्स को समझ चुके हैं, इसलिए अब अकाउंटिंग एंट्रीज़ को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अकाउंटिंग एंट्रीज़ को समझने से पहले मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आपका रिविज़न हो जाए सी जी एस टी, एस जी एस टी और यू टी जी एस टी के बारे में और आई जी एस टी के बारे में। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा बिज़नेस है दिल्ली में, मैं अपने आप को लिखता हूँ दिल्ली में, और मैं गुड्स परचेज कर रहा हूँ राम से, और राम भी दिल्ली में ही है, तो ये केस कौन सा केस कहलाएगा जिसमें बायर और सेलर एक ही स्टेट में है? ये कहलाएगा इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट, और इंट्रा स्टेट में क्या होता था, सीजीएसटी और यूजीएसटी बराबर बराबर जाता है। अगर जीएसटी का रेट, फॉर एग्जांपल जीएसटी का रेट फॉर एग्जांपल 10% है, तो सीजीएसटी और यूटीजीएसटी क्यों? क्योंकि दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली की जगह अगर कोई और स्टेट होता तो यहाँ आ जाता एसजीएसटी। तो कितना कितना पोर्शन में डिवाइड करेंगे आप, 5% सीजीएसटी और 5% यूटीजीएसटी, या 5% एसजीएसटी इंट्रा स्टेट केस। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। अब अगर मैंने परचेज किया श्याम से, और ये है राजस्थान में, अब ये कौन सा केस हो गया, ये हो गया इंटर स्टेट। इंटर स्टेट में क्या है, पूरा का पूरा इन दोनों को मिला के IGST 10%, जो भी जीएसटी का रेट है 10% है, 18% है, वट एवर, वो पूरा का पूरा IGST। तो ये सब हम कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक दफ़े रिवाइज करवाने के लिए मैंने आपको दोबारा से बताया। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, अब अकाउंटिंग एंट्रीज की तरफ चलते हैं, फिर समझते हैं और अच्छे से। वेलकम अगेन। अब हम एक अकाउंटिंग एंट्री करेंगे और उसको समझेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम, राम से गुड्स परचेज किया। सबसे पहले इससे क्या मतलब पता लग रहा है, हमने राम से गुड्स क्रेडिट में लिया, राम क्रेडिटर है। अगर हमने परचेज्ड गुड्स ऑन कैश लिखा होता तो इसका मतलब कैश हमने दे के लिया था। नॉर्मल केस में इसकी क्या एंट्री करते आप, परचेजेस अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, यही करते हैं ना, सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, 10,000 रुपये की परचेजिंग थी, लेकिन अब जीएसटी के केस में राम जो बिलिंग करेगा आपको 10,000 रुपये की नहीं करेगा, मटेरियल 10,000 रुपये का हो सकता है, लेकिन वो इसके ऊपर जीएसटी भी लगाएगा। जीएसटी रेट अगर मान लीजिए आप 10% है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है रेट, 10% जीएसटी रेट है, और आपका इंट्रा स्टेट केस है ये वाला, इंट्रा स्टेट मतलब
विद इन द सेम स्टेट, सेल और परचेज ऑफ गुड्स विद इन द सेम स्टेट। तो इसमें SGST और CGST किस तरह लगेगा? CGST अकाउंट डेबिट और SGST अकाउंट डेबिट 10% है GST रेट, तो कितना कितना हो गया? 500 रुपीज़ और 500 रुपीज़। इसका मतलब राम जो बिलिंग करेगा वो करेगा 11,000 रुपीज़ की। अब ये CGST और SGST ये हम बोलते हैं ये हमारी एसेट्स हैं, क्योंकि हम इसको हम सेट ऑफ कर सकते हैं अगेंस्ट सेल, वो भी अभी समझेंगे। तो इसके आगे हम लिख देते हैं इनपुट, इनपुट CGST और इनपुट SGST, कोई दिक्कत नहीं है। परचेज अकाउंट, परचेजेस हमारे एक्सपेंसेस हैं, राम हमारा क्रेडिटर है, लाइबिलिटीज हमने क्रेडिट कर दी है, ठीक है। अब ये केस अगर हमारा होता इंटर स्टेट वाला, तब क्या करते इस केस में? हम परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, यहाँ पे 10,000, IGST में इन दोनों का टोटल जाएगा 10% ऑफ अमाउंट 1,000 और 11,000। इंटर स्टेट में सिर्फ से IGST को पूरा का पूरा 10% ऑफ द गुड्स अमाउंट, हमने 10% हमने उसको डेबिट कर दिया, और उसके IGST के आगे क्या लिख दिया? इनपुट। और परचेजेस के नीचे ही लिखना है इनपुट, यहाँ जो परचेजेस हैं इनके नीचे ही इनपुट CGST, इनपुट SGST। अब हम और आगे चलते हैं। सपोज जो राम से हमने गुड्स परचेज किया है उसमें कुछ डिफेक्ट्स हैं, सारे गुड्स में नहीं लेकिन थोड़े से गुड्स में डिफेक्ट है, तो हमने राम को परचेज वापस किया, जो परचेज किया था, तो उसको बोलेंगे परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न के केस में हम क्या एंट्री बनाएंगे? इस एंट्री की एग्जैक्टली उल्टी एंट्री हो जाएगी, अपोजिट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, राम को राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, रिटर्न अकाउंट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। अब फॉर एग्जांपल अगर 2,000 रुपये का परचेज रिटर्न किया है, तो हमने यहाँ पे भी तो हमने CGST और SGST दिया है ना, तो 2,000 रुपये में भी तो हम इसके ऊपर हम लगा के देंगे ना, राम को जो वापस करेंगे 2,000 का गुड्स वापस नहीं करेंगे, 2,000 रुपये के हम भी CGST और SGST लगाएंगे। तो कितना लगाएंगे आप बताइए? 500 लगाएंगे क्या? नहीं, बहुत बच्चे ऐसी गलती करते हैं। ये कितना था? 5% था, 5% ये था ऑफ 10,000, तो इसी तरह 2,000 का भी 5-5% ही तो लगेगा। GST रेट अगर 10% है तो हाफ 5% हो गया, तो 5% कितना हो गया? 100 रुपीज़, और 100 रुपीज़ ये हो गया, तो 2,200 रुपीज़ हम राम को बिल करेंगे परचेज रिटर्न के नाम से। ये था इंट्रा स्टेट का, और अगर इंटर स्टेट है तो ये दोनों हट जाएगा और 200 रुपीज़ आ जाएगा। अब हम और आगे चलते हैं, यहाँ तो हमने परचेज किया है, अब हम लेते हैं सेल्स के ऊपर। मान लीजिए हमने गुड्स को सेल किया, गुड्स सोल्ड, सोल्ड टू राम अगेन, यहाँ पे हमने राम को गुड्स सोल्ड किया। अगर कैश में सेल सेल किया होता तो हम यहाँ लिखते गुड्स सोल्ड इन कैश,
लेकिन नाम लिखा हुआ है तो इसका मतलब राम को क्रेडिट सेल है हमारी ये, तो राम हमारा हो गया डेटर्स। डेटर्स होता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। आपको याद होगा सारे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो अब क्या करेंगे, राम अकाउंट डेबिट हमारा डेटर है ये, है ना, टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट हमारा रेवेन्यू अकाउंट है, हमने क्रेडिट किया है उसको। टू अगेन सी जी एस टी, सेम स्टेट में है, और एस जी एस टी 10,000। अगर GST का रेट 10% ही है तो 5-5% के हिसाब से अगेन 500 रुपीज़ और 500 रुपीज़, यानी कि हम इसको राम को देने होंगे 11,000 रुपीज़ इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सेल। ठीक है, अब ये जो हमने सेल करी है ये हमारा बोलते हैं इसको आउटपुट। सेल के टाइम हमने इस कलेक्ट किया है, CGST और SGST को कलेक्ट किया है, तो इसलिए इनको बोला जाता है आउटपुट। यहाँ क्या था, हमने परचेस किया था, परचेस किया है तो ये हमारा है इनपुट। यहाँ पे आउटपुट क्योंकि हमने कलेक्ट किया है और हमें ये गवर्नमेंट को देना है ये वाला पैसा, ये हमारी लायबिलिटी है, हमने ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट हमने ये राम से कलेक्ट कर किया है। और यहाँ पे ये हमारी एसेट्स है, इसको हम बाद में एडजस्ट करेंगे इसके साथ में, जिसको सेट ऑफ भी बोलते हैं हम। फिलहाल आप ये भी ये समझिए कि ये हमारी लायबिलिटी है और ये हमारी एसेट्स है। लायबिलिटी को हम बोलेंगे आउटपुट क्योंकि हमने देना है। ठीक है, तो और आगे चलिए, अगर इसमें इंटरेस्ट रेट है तो आ जाएगा राम अकाउंट डेबिट, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और सेल्स अकाउंट के नीचे ही लिखना है, यहाँ भी सेल्स अकाउंट्स के नीचे ही लिखा था हमने टू आउटपुट IGST 10,000, 1,000 और 11,000। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आ जाइए सेल्स रिटर्न। राम ने हमको कुछ वापस दिया है गुड्स, तो सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न में इस एंट्री का अपोजिट कर देंगे हम, हमें वापस मिला है सेल्स, जो हमने गुड सेल कर दिया था उसको वापस मिला है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, इसी के सेल्स के नीचे ही आउटपुट आएगा क्योंकि हमने सेल किया हुआ था, तो आउटपुट भी रिड्यूस हो जाएगा हमारा। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट और आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 2,000 रुपये का ही हमें रिटर्न मिला है तो 2,000 रुपये तो हमारे आ गए सेल्स रिटर्न अकाउंट में, और ये जो है 5% 100 रुपीज़ आउटपुट CGST और 100 रुपीज़ SGST टू राम अकाउंट। टू थाउजेंड वन हंड्रेड क्लियर है, कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर आपको बेस समझ में आ गया है तो। इसी तरह हम और एंट्रीज लेके चलते हैं, एक दो और एंट्री जिससे आपको और कंसेप्ट समझ में आएगा, तो अभी मैं इसको रब करता हूँ। वेलकम बैक, और आगे चलते हैं। सपोज मैं कहता हूँ मशीन परचेस्ड कैश फॉर ₹30,000, मशीन खरीदी है, मशीन परचेस्ड फॉर कैश ₹20,000।
इसकी क्या एंट्री बनाएंगे आप? नॉर्मल केस में क्या बनती थी पहले ये बताइए। मशीन परचेज करी है तो मशीन अकाउंट डेबिट, एसेट्स आई है हमारे पास मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट यही डाल देते थे हम 20,000 रुपीज़ पे। अब क्या है, इन केस जीएसटी भी पे अगर हुआ है तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, सीजीएसटी, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट और एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। मशीन अकाउंट के नीचे आपने लिखना है इनपुट, क्योंकि हमारा परचेज है, परचेज पे ध्यान रखिएगा इनपुट, सेल पे हमारा आउटपुट कैश है। और 10% अगर जीएसटी रेट है तो 10% कितना हो गया 2000, और 5% 5% 1000, 1000 ये 1000 ये दोनों का टोटल आ गया 22,000, यानी कि 22,000 पे करके हमने ये मशीन ली है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले हमने गुड्स परचेज किया था, अब हमने मशीन ली है। मशीन की जगह अगर मैं फर्नीचर कर दूँ तब कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी आइटम हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, मशीन हो सकती है, स्टॉक तो आपने पहले देख ही लिया। अब दो तीन केसेस और हैं। नंबर वन, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स गुड्स में भी हो सकता है, इन कैश भी हो सकता है। आपका लॉस बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया बाय फायर, ये भी हो सकता है, या फ्री सैंपल्स आपने दिए, तो इस केस में क्या हमारी अकाउंटिंग एंट्रीज होंगी, इसको देखिए। ड्राइंग्स क्या है हमारा, कैपिटल अकाउंट कम हो जाता है, ओनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर कुछ अमाउंट विड्रॉ किया है तो कैपिटल अकाउंट कम हुआ, अगर गुड्स लिया है तब भी इक्वल अमाउंट का। सपोज़ अगर उसने गुड्स लिया है जिसके ऊपर हमने जीएसटी पे किया हुआ है, तब क्या होगा, हमारा कैपिटल अकाउंट विड्रा होगा, तो कैपिटल अकाउंट कम होगा तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट, क्योंकि गुड्स लिया है उसने, टू हम इस पे परचेजेस पे इनपुट ले चुके हैं, इनपुट सी जी एस टी अकाउंट टू इनपुट एस जी एस टी अकाउंट। इसी तरह आप ले लीजिए लॉस बाय फायर, कुछ हमारा गुड्स था वो डिस्ट्रॉय हो गया बाय फायर, तो आप किस अकाउंट को डेबिट करोगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू अगेन परचेज अकाउंट, और सेम है ये टू अगेन परचेज अकाउंट टू इनपुट, परचेजेस के साथ में हमेशा इनपुट है ये ध्यान रखिएगा, इनपुट सी जी एस टी और इनपुट एस जी एस टी। कोई दिक्कत, कुछ नहीं होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बेस आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब आ जाइए फ्री सैंपल्स, फ्री सैंपल्स हम कब देते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स के लिए, अपने प्रोडक्ट के सेल्स प्रमोशंस के तौर पे दिया जाता है, तो फ्री सैंपल्स के लिए आप लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, सेम टू इनपुट सी जी एस टी और एस जी एस टी अकाउंट। अमाउंट कुछ भी आप लिख सकते हैं, होप आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया है। अगर अभी भी आपको कुछ मन में डाउट्स हैं तो प्लीज़
प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए, हेजिटेट मत करिए, लिखिए ज़रूर कि ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो मैं आपको अगले वीडियो में या आपको वहीं पर ही एक्सप्लेन कर दूंगा। मुझे पता तो लगे ना कि कहाँ स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है, ठीक है? अदरवाइज़ कोई कमेंट नहीं आएगा तो मैं ये मान के चलूँगा कि आप लोग सब कुछ समझ रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि सेट ऑफ कैसे करना है। हमने जो भी इनपुट और आउटपुट के इतने सारे एग्जांपल्स देखे हैं, उसको अमाउंट को सेट ऑफ कैसे करेंगे और बैलेंस शीट में उसका क्या असर जाएगा। तो बने रहिए, देखते रहिए, अगले वीडियो पे हम मिलते हैं फिर से। थैंक यू।